भिवानी के गांव सुई में 25 लड़के नौकरी लगने पर ग्रामीणों ने हनुमान मंदिर में प्रसाद लगाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया। समाज सेवी मनोज दीवान का कहना है कि मुख्यमंत्री ने आपसी सिंह सैनी ने युवाओं को बिना खर्च बिना पर्च के नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि गांव सुई के ही 25 बच्चे हाल ही में आए रिजल्ट में नौकरी लगे हैं। उन्होंने कहा कि गांव सुई के हनुमान मंदिर में जो भी मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और उन्होंने कहा कि आज सरपंच और ग्रामीणों के द्वारा मंदिर में प्रसाद लगाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करती हैं। मैं यहाँ मंदिर की स्थापना हुई थी, नीम रखी गई थी और गांव ने भी पूरा सहयोग दिया है, ग्राम पंचायत ने भी दिया, गांव वालों ने भी दिया और सेठ जी का विशेष विशेष हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने विशेष सहयोग दिया और अंकल जी है इनका सरपसाव ने विशेष सहयोग दिया। और मान्यता इतनी है कि जो भी बच्चा या कोई भी यहाँ से मन्नत मांगता है पूरी होती है। हमने आज से नहीं 5-7 साल से देख रहे हैं और यहाँ भी ये भाई साहब खड़े हैं, इनके भी बच्चे लगे हैं, ये खुद बता देंगे जो भी बात है। और मैं साहब जब से आए हैं इनका तो विशेष सहयोग है, सारा काम सब प्रभु की दया से हो रहा है और हम मनोज दीवान जी MD भाई साहब का तय दिल से गाँव की तरफ से पूरी माले गाँव पंचायत की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो जुम्मा लिया और ये सहयोग करते रहते हैं। और अंकल जी सुरेश प्रधान जी भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, के लगभग 25 बच्चे लगे हैं और पहले भी लगे हैं। जो DSP की बात थी वो मेरे अंकल का ही लड़का है सतीश शर्मा, जय भगवान मास्टर जी का लड़का, वो लगा, वो आने थे आज, वो कहीं भिवानी चले गए, वो UP पुलिस में DSP हैं प्रेजेंट में। और काफ़ी बच्चे पहले लगे और हम सैनी सरकार का और मनोहर सरकार का और मोदी सरकार का भी तय दिल से धन्यवाद करते हैं कि बिना खर्चे पर्ची बच्चे लगे और सब गरीबों के घर में दीपावली आई। मेरा नाम रवि है, सर्वप्रेरित आदर्श गांव सुई के सरपंच हूँ। और जैसा जी सेठ जी ने बताया, सेठ जी बहुत ही समाज सेवी हैं और ये संकटमठ बालाजी धाम की जो चार दीवारी है वो सेठ जी के जुम्मा लिया है कि हम पूरी करवाएंगे। हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से और इसकी ट्रस्ट की तरफ से सेठ जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि सेठ जी की दयालुता, इतनी दयालुता देखते हुए कि चार दीवारी का बनवाने का निर्णय लिया सेठ जी ने, उसके लिए सेठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सही बात है ये, जो भी मंदिर में अपनी सच्चे श्रद्धा से माथा टेकता है, मन्नतें मांगता है, भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरी करता है। रही बात नौकरियों की, तो आपको बता दूं कि भाजपा सरकार, सैनी सरकार, पहले मनोहर सरकार थी, इसमें बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगे हैं। आज पहली बार नहीं हुआ है, जब से 2014 से हमारी भाजपा सरकार बनी है तब से हर भर्ती में कम 10-12-7, कभी किसी में 7, किसी में 10, किसी में 12 तो बच्चे लगते रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती से पहले, यानी कि इलेक्शन से पहले, अब तो ये नई भर्ती इलेक्शन के बाद में रिजल्ट दिया है, इससे पहले हमारे गांव के 150 बच्चे लग चुके हैं 10 साल में, जिसमें 135 बच्चे के डी और सी ग्रुप में लगे हुए हैं और एक दो प्रथम श्रेणी में भी लगे हुए हैं। जैसे कि हमारे एक ब्राह्मण समाज से होनार बच्चा है, वो DSP लगा हुआ है, वो भी इसी सरकार की देन है। और 15 बच्चे कौशल में लगे हुए हैं, तो कुल मिला के पिछले 10 ईयर का टर्नओवर देखा जाए तो इनका तो हमारे 150 बच्चे लगे हुए हैं। तो काफ़ी सरकार भी बधाई के पात्र है, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे लगे हुए हैं जिनके घर में रात को खाने के लिए जूझना पड़ता है, सुबह ये सोचते हैं कि शाम का खाना हमें नसीब होगा कि नहीं, उस घर से भी 3-3 बच्चे लगे हुए हैं। वो मनोहरलाल की जो साफ नीति है बिना खर्ची बिना पर्ची, उसी से संभव हो चुका है, क्योंकि पहले तो आपने पता ही था कितना था भ्रष्टाचार, इतना था कि पैसे भी दे देते थे, कर्ज लेके पैसे देते थे तो भी काम नहीं होता था। और अब इतने गरीब के बच्चे लगे हैं कि एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, कर्जवान जरूरत नहीं है। हम इन बच्चों की तरफ से और ग्रामवासियों की तरफ से भाजपा सरकार को अभी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे गाँव को इतना रोजगार दिया। और हम यही आशा करते हैं कि आगे भविष्य में ऐसे ही फेयर बच्चे बिना खर्चे बिना पर्ची के लगे रहें।